लड़की इस लड़के को अपने साथ समुद्र में ले जाती है और जब वो लोग बीच समुद्र में पहुंच जाते हैं तब अपने कपड़े उतार कर पानी में कूद जाती है। ये देखकर लड़का भी घबरा कर उसके पीछे कूद जाता है। लड़की हल्के हल्के पानी में नीचे की तरफ बढ़ती है और लड़का उसके पीछे होता है। तभी लड़की अपने मुंह से कुछ बबल्स छोड़ती है जो कि लड़के के पास जाकर उसके सिर को कवर कर लेता है, जिससे लड़का पानी में सांस लेने लगता है। अब लड़की एक पुरानी शिप के अंदर आ जाती है। लड़की के जूते लोहे के हैं इसलिए वो आराम से पानी में भी शिप पर खड़ी हो जाती है। अब लड़का शिप में देखता है, वहां पर तो कई स्केलेटन होते हैं। फिर वो लोग तैरते हुए शिप में बने एक रूम के अंदर जाते हैं और लड़की गेट बंद करके अपने मुंह से रूम जोर से हवा छोड़ती है। लड़की की एक खासियत है कि वो हवा को कंट्रोल कर सकती है, जिससे रूम का सारा पानी बाहर निकल जाता है और लड़का ये देखकर हैरान हो जाता है। लड़की उसको सब बताती है और वो लड़की साइड से एक बॉक्स निकालती है जो कि उस लड़के के दादाजी ने लड़की को दिया था। लड़का बॉक्स खोल कर देखता है जिसमें एक बुक और कुछ फोटोज होते हैं। लड़की उसको बताती है कि ये लोग बुरे अजूबे हैं। लड़का एक आदमी को पहचान जाता है, उसने ही उसके दादा को मारा था। तभी लड़की बोलती है, तुम भी एक अजूबे हो, तभी तुम टाइम ट्रेवल करके हमारी दुनिया में आ सके। पर लड़का इस बात पर यकीन नहीं करता है और लड़की उसको अपने साथ एक जगह पर ले जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।